दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम आपके लिए लेके आए वीडियो ऑन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट टू, जिसमें हम डिस्कस करेंगे बेसिक ऑफ IUPAC नोमेनक्लेचर। ये वीडियो 10th क्लास स्टूडेंट्स के लिए है, पर्टिकुलरली ICSE स्टूडेंट्स के लिए। दोस्तों आज समझते हैं, जानते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नोमेनक्लेचर के बारे में। तो सबसे पहले हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, स्टडी ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। अब ये मेन इसका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नोमेनक्लेचर के जानने के लिए हमें यह जानना जरूरी है कि हाइड्रोकार्बन्स दो तरह के होते हैं, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड वो हाइड्रोकार्बन्स हैं जिसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है। अनसैचुरेटेड वो हाइड्रोकार्बन्स हैं जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। और सिंगल बॉन्ड वाले कार्बन कार्बन को एल्केन्स बोलते हैं, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को एल्कीन्स बोलते हैं, और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड को एल्काइन्स बोलते हैं। अब अगर अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड है उसको हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स भी बोलते हैं। नेक्स्ट हम दोस्तों बात करेंगे होमोलोगस सीरीज़ के बारे में। लास्ट वीडियो में भी हमने जाना था कि होमोलोगस सीरीज़ क्या है। ये एक फैमिली है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जिसका फंक्शनल ग्रुप सेम होता है या फिर जिसका जनरल फार्मूला सेम होता है, और ईच मेंबर जो है दूसरे मेंबर से उसका जो डिफरेंस है CH2 का आता है। ये डिफरेंट फैमिलीज हो सकती हैं, जैसे कि एल्केन्स की एक फैमिली है, एल्कीन्स की एक फैमिली है, एल्काइन्स की तीसरी फैमिली है, अल्कोहल्स फोर्थ फैमिली है, एल्केनोइक एसिड या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड ये एक फिफ्थ फैमिली है, देन एल्केनल्स और एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। तो ये सारी एक फैमिलीज हैं, इसके एक मेम्बर्स हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ एन। अगर एन की वैल्यू हम चेंज करते हैं, डिफरेंट मेम्बर्स हम उनको लिख सकते हैं, उनके फार्मूले लिख सकते हैं, उनकी नेमिंग हम लिख सकते हैं। दोस्तों आगे चलते हैं। जैसे कि मान लीजिए रूट कार्बन वन है तो उसको हम बोलते हैं मिथ, इथ, प्रोप, पुट, पेंट और हेक्स, हेप्ट, ऑक्टनोन, डेक। तो ये हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो दोस्तों अगर हम एल्केन सीरीज है एन वन सब्सटीट्यूट करते हैं CnH2n+2 में, तो डिफरेंट फार्मूलेस हमें मिलेंगे, नेम हमें मिलेंगे। इसमें हमें एक चीज़ देखनी है कि रूट कार्बन के लिए एक नाम और जो पीछे लगता है उसको बोलते हैं हम सुफिक्स। इन एल्केन फैमिली के लिए सुफिक्स हमारे पास एन है। सो दोस्तों उसी हिसाब से अगर हम इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखेंगे, हमने एक ही बात ध्यान में रखनी है कि कार्बन की वैलेंसी 4 होनी चाहिए, और दूसरी बात है कि एल्केन अगर फैमिली है तो उसमें डबल बॉन्ड नहीं होगा, एल्केन फैमिली में ओनली सिंगल बॉन्ड होगा कार्बन कार्बन के बीच में। सो दोस्तों आगे हम देखते हैं एल्कीन फैमिली के बारे में, जिसमें CnH2n फार्मूला है। एन वन एल्कीन में नहीं होता क्योंकि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड चाहिए, इसका मतलब मिनिमम कार्बन दो होंगे। सो दो कार्बन होंगे तो फार्मूला हमारे पास है C2H4, और इसमें हमारे पास जो रूट कार्बन है वो दो हैं तो इथ आएगा, और इसमें जो हमारे पास सुफिक्स है ईन है, इसलिए इथेन लास्ट में ईन आया है हमारे पास। सो दोस्तों आगे चलते हैं। उसी हिसाब से अगर हम नोनीन का फार्मूला लिखते हैं तो C9 सब्सटीट्यूट करेंगे, 9 × 2 = 18। सो 18 के हिसाब से नोन जो हो गया वो रूट कार्बन है, वर्ड रूट हो गया, और पीछे जो लगेगा उसका वो सुफिक्स है यानी कि ईन, नोनीन। तो दोस्तों आगे चलते हैं एल्काइन एल्कीन फैमिली के स्ट्रक्चर्स के बारे में। तो उससे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आमतौर पे स्टूडेंट्स जो गलती करते हैं, जैसे ये पहली स्ट्रक्चर आपने जानी है, सेकंड स्ट्रक्चर आपने देखी है, कि ये सेकंड स्ट्रक्चर में आप देखिए दोस्तों कि हमारे पास ये कार्बन जो डबल बॉन्ड है इसकी वैलेंसी जो 4 आ रही हैं हर एक कार्बन। अब ये देखिए इसमें एरर है, इसकी फैमिलीज में कार्बन की जो वैलेंसी आ रही है 2, 3, 4, 5। सो कार्बन की वैलेंसी 5 है, ये एक मोस्ट कॉमन एरर है स्टूडेंट्स जो करते हैं, इसलिए मैंने ये डायग्राम बना के आपको शो किया है। सिमिलरली आप देखिए यहाँ पे दोस्तों कि कार्बन की वैलेंसी लेफ्ट फर्स्ट कार्बन की तो 4 है, सेकंड कार्बन की 5 है, और थर्ड कार्बन की भी 4 है, फोर्थ कार्बन की 3 वैलेंसी है। तो ये जो कार्बन, ये जो हाइड्रोजन लगाया था, यहाँ पे हाइड्रोजन लगना चाहिए था। सो दोस्तों ये बहुत ज़रूरी है, तो आप ये चीज़ को ध्यान रखिएगा। सो दोस्तों नेक्स्ट हम एक अगले वीडियो में चलेंगे। नेक्स्ट हम स्ट्रक्चर फार्मूला लिखने के लिए हमने जो स्ट्रक्चर बुटीन का, जैसे हमने स्ट्रक्चर हमने देखना है, तो दोस्तों आप देखेंगे कि कार्बन की वैलेंसीज जो हमारे पास हैं वो बिल्कुल 4 हैं। जस्ट चेक करिए, फर्स्ट कार्बन की 4 वैलेंसी है, सेकंड कार्बन की 2 कार्बन, 3+1 4, 2+3 1+4 कार्बन, नेक्स्ट जो फोर्थ कार्बन है उसका भी
1, 2, 3, 4। सो कार्बन की वैलेंसी हमारे पास 4 ही आनी चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। सो दोस्तों हम उसी हिसाब से हल्का इनके स्ट्रक्चर्स भी लिख सकते हैं, फार्मूले लिख सकते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्योंकि ये डिस्कस हमने सारे लास्ट वीडियो में भी कर ली थी। और ये देखिए कार्बन की जो वैलेंसी है वो हमारे पास हमेशा 4 आनी चाहिए। जैसे फर्स्ट कार्बन की देखिए, ये कार्बन की देखिए आप 1, 2, 3, 4, ये 3। सेकंड कार्बन की देखिए 3+1, 4। और ये थर्ड कार्बन की देखिए तो ये सारी जो है आप देख सकते हैं कि वैलेंसीज जो है 4 आ रही है। तो नेक्स्ट दोस्तों देखते हैं अल्काइल। अभी ये समझने की जरूरत है, ये है नई वीडियो में कि अल्काइल क्या है। अल्काइल दोस्तों ये है कि जैसे मान लो एल्केन है हमारे पास, एल्केन का जनरल फार्मूला CnH2n+2 है। तो अगर हम एक हाइड्रोजन निकाल देते हैं एल्केन में से, वो हमारे पास एक रेडिकल बन जाता है जिसको बोलते हैं अल्काइल। जो अल्काइल है वो एक सब्सिट्यूएंट भी हो सकता है। तो आगे हम बात करेंगे सब्सिट्यूएंट क्या होता है, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। सो मान लीजिए मैंने मेरे पास मीथेन है, मीथेन से मैंने 1H निकाल दिया तो उसका क्या बन गया, मिथाइल। अगर मैंने पास ईथेन ले लिया है तो उसमें एच निकालती है, उसका इथाइल बन जाएगा। तो दोस्तों देखते हैं ऐसे कैसे होता है। सो जैसे हम देखते हैं दोस्तों कि जैसे मीथेन हमारे पास, सो मीथेन है, मीथेन का फार्मूला CH4 है, उसमें अगर एच निकाल देंगे तो हमारे पास मिथाइल बन गया। सिमिलरली अगर हम हेक्सेन की बात करते हैं, C6H14 है, तो उसका हमारे पास कितना बन गया, C6H13 बन गया। सो दोस्तों इस हिसाब से हम इसको ग्रुप रेडिकल्स बोलते हैं। ये एक सब्स्टिट्यूएंट के तौर पर हमारी एक चेन में यूज़ हो सकते हैं। सो दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं हम फंक्शनल ग्रुप के, आगे भी हम डिस्कस कर सकते हैं, कर चुके हैं कि फंक्शनल ग्रुप एक एटम और ग्रुप ऑफ एटम है जो हमें डिटरमिन करता है कि इस बारे में ऑर्गेनिक कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करता है। सो केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो है डिस्कस हो रही है इसमें। सो दोस्तों देखिए एग्जाम्पल कौन से एग्जाम्पल हो सकती हैं, एल्कोहल से एक फैमिली है फंक्शनल ग्रुप, एल्डिहाइड एक फंक्शनल ग्रुप है जिसकी फैमिली पूरी बन सकती है, कीटोन एक फंक्शनल ग्रुप है जिसकी सेपरेट फैमिली है, ईथर एक फंक्शनल ग्रुप है जिसकी सेपरेट फैमिली है, कार्बोक्सिलिक एसिड एक फंक्शनल ग्रुप है जिसकी एक फैमिली है। दोस्तों एक 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 करके हम इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम कॉमन फंक्शनल ग्रुप के फार्मूले क्या हैं। सो मान लो हेलो ग्रुप है, हेलो ग्रुप मींस हेलोजन। हेलोजन मींस का मतलब क्या है कि हमने एक एच निकाला और क्लोरीन लगा दिया, हमने एक एच निकाला ब्रोमीन लगा दिया, हमने एक एच निकाला आयोडीन निकाला। किसमें से निकाला, एल्केन फैमिली में से निकाला। एल्केन फैमिली में से भी निकाल सकते हैं अल्कोहल, अल्कोहल में एक जैसे एक एच निकाला जिसमें से मेरे पास मीथेन था, मीथेन में एक एच निकाला तो मिथाइल बन गया। सो मिथाइल के एक रेडिकल था, उसकी वैलेंसी कंप्लीट नहीं थी, उसको मैंने अटैच कर दिया OH के साथ। सिमिलरली अगर हम अटैच करेंगे CHO के साथ उसको एल्डिहाइड बोलते हैं, अगर हम अटैच करेंगे कीटोन के पास तो कीटोन के साथ अटैच करने पर इसको कीटोन्स फैमिली बोलते हैं जिसको हम एल्केनोन्स भी बोलते हैं। नेक्स्ट अगर हम COOH ये फंक्शनल ग्रुप हमारा है हाइड्रोकार्बन में तो उसको हम बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड फैमिली। दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट, अगर मान लो एक एक करके हम फैमिली को डिस्कस करने जा रहे हैं, जैसे हमारे पास एल्केनॉल फैमिली है, उसका जनरल फार्मूला हमारे पास आएगा CnH1+1OH। अगर हम NH1 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो फार्मूला हमारे पास आ गया CH3OH, जिसका रूट कार्बन एक कार्बन था, इसके लिए मीथेन बोलते हैं हम। मीथेन अगर हम बोलते हैं दोस्तों, तो जैसे मैंने हमने मीथेन लिख दिया इसमें मीथेन, तो क्या होगा प्लस, इसमें प्लस क्या है, प्लस हमारे पास है ओल। ओल जो है हमारा सुफिक्स है एल्केनॉल के लिए। अभी ई ओ इकट्ठे नहीं आ सकते तो ई को हम काट देंगे, तो क्या हमारे पास बन गया दोस्तों मिथेनॉल, मिथेन। उसी तरह से टू कार्बन है तो ईथेन बनना था, ईथेन में ई काट दिया हमने इथेनॉल। सो हमारे पास जानना हमारे जरूरी है कि रूट कार्बन कितने हैं और हमारे पास सुफिक्स कौन सा है। सुफिक्स हमारे पास यहाँ पे ओल है। तो दोस्तों इसी तरह से कार्बन अगर 3 है तो C3H7OH है, तो उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि C3 जैसे ये जो कार्बन 3 है तो इस तरह भी कार्बन CH3, सिमिलरली CH2, सिमिलरली CH2, इसी तरह से हम लिख सकते हैं उसको प्रोपेन प्रोपाइल, दिस इज प्रोपाइल, एक्चुअली प्रोपाइल के साथ OH जुड़ा हुआ है तो हमारे पास बन गया प्रोपेनॉल। सो दोस्तों नेक्स्ट हम देखते हैं बूटेनॉल पेंटेनॉल, इसी तरह से लिख सकते हैं। नेक्स्ट फैमिली हमारे पास दोस्तों है ईथर। ईथर का फंक्शन ग्रुप आपको याद रखना है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसका फंक्शन ग्रुप है ROR। ROR यानी कि CnH2n+1 एन और एन डैश डिफरेंट हो सकता है, सेम भी हो सकता है। अगर मान लीजिए N1 है और N-1 है तो हमारे पास फार्मूला गया CH3OCH3। अगर मैं NH2 लेता हूँ और N-2 लेता हूँ तो हमारे पास फार्मूला गया C2H5OC2H5, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं CH3CH2OCH2CH3। सो CH2 पहले आएगा, CH3 बाद में आएगा।
ओके सो नेक्स्ट है, तीसरा हम लेते हैं नंबर ऑफ कार्बन, अगर एन टू लेते हैं और एन डैश वन ले लेते हैं तो सी एच थ्री सी एच टू ओ सी एच थ्री, इस तरह से हम देख सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट अगर हम लें तो एन इज इक्वल टू थ्री लें अगर मान लो, और एन टू लें तो इसमें क्या बन जाएगा, सी थ्री एच सेवन बनना था, सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू। सो लास्ट टर्मिनल कार्बन में हाइड्रोजन ज़्यादा होते हैं और जो बिटवीन में होता है उसमें टू वन कार्बन वन हाइड्रोजन लेस होता है। सो नेक्स्ट जो है टू कार्बन सी एच थ्री सी एच टू, मीन्स इसको भी जो हमारे का पास थोड़ी सी प्रॉब्लम है, ये टू जो है यहाँ पे आना चाहिए था। सो सी एच टू सी एच थ्री, और इसी में भी सो सी एच टू सी एच थ्री आना चाहिए था। सो दोस्तों अगर हम नेम कैसे करना है इसको, इसको हम बोलते हैं कि डेरिवेटिव। मान लो ये कहाँ से आया हमारे पास, ये आया दोस्तों अगर हम जाने दोस्त कोशिश करें, हमारे पास सी एच फोर था और हमने क्या किया, फोर को निकाल दिया, फोर को निकालने के बाद हमारे पास यहाँ पे क्या हो गया, सी एच थ्री वन एच हमने निकाल दिया, और वन एच निकाल के हमने क्या किया दोस्तों, उसको हमने अटैच कर दिया जैसे मान लीजिए ओ सी एच थ्री। इसका मतलब क्या है कि मेरे पास पहले क्या था, मेरे पहले पास पहले था मीथेन, मेरे पास पहले मीथेन था और मीथेन को मैंने एक एच निकाला, सी एच थ्री बन गया और वो ओ सी एच थ्री बन गया। इसका जो नाम है मिथॉक्सी, हम बोलते हैं इसको मिथॉक्सी, तो रूट कार्बन अब मीथेन बन गया, सो मिथॉक्सी मीथेन, प्रोपेन नहीं मिथॉक्सी मीथेन। सो दोस्तों अब देखें नेक्स्ट अगर हम जाने इथॉक्सी इथेन के बारे में अगर हम जाने, तो सबसे पहले क्या था, हम ये देखें सी टू एच सिक्स था हमारे पास, तो हमने क्या किया एच सिक्स हटा दिया, उसको बना दिया फाइव, ये बन गया इथाइल। सो इसके साथ मैंने क्या जोड़ दिया ओ सी टू एच फाइव। सो दोस्तों ऐसे करने से हमें क्या हो गया कि ये बन गया हमारे पास इथॉक्सी, और ये डेरिवेटिव किसका था, इथेन का, तो इसलिए हमने बना दिया इथॉक्सी इथेन। सो इस तरह से नेमिंग है वो सेम सिमिलर तरीके से, अगर हम ये माने ये इथेन डेरिवेटिव है तो मिथॉक्सी इथेन, अगर हम माने ये कि ये डेरिवेटिव प्रोपेन है तो नेक्स्ट क्या बच गया हमारे पास ओ सी टू एच फाइव, तो जिसको हम बोलते हैं इथॉक्सी प्रोपेन। सो नेक्स्ट दोस्तों देखते हैं, ये फंक्शन ग्रुप है ईथर। सो नेक्स्ट हम देख सकते हैं दोस्तों कि कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड में हम एन जीरो भी भर सकते हैं, क्यों भर सकते हैं, बिकॉज सी ओ ओ एच इसमें ऑलरेडी एक कार्बन है जो कि इंक्लूड होगा चेन में, क्योंकि वन कार्बन है दोस्तों। अभी इस चीज़ में हमें ये चीज़ देखना है, सब्स्टिट्यूट करें एन इज इक्वल टू जीरो, हमारे पास एच आ जाता है और साथ में क्या फंक्शन ग्रुप सी ओ एच, बिकॉज एक कार्बन है तो इसमें मीथेन प्लस ओइक एसिड, मीथेन ओइक एसिड, सो ई और ओ इकट्ठे नहीं आएंगे, ई हमारे पास कट गया, सो मीथेनोइक एसिड इसका नाम। सिमिलरली कार्बन हमने काउंट करने हैं, टू कार्बन है, टू कार्बन मतलब इथेन, इथेन प्लस ओइक एसिड, सो इसमें जो सुफिक्स है ओइक एसिड है, ओ ई हमने काट दिया इथेनोइक एसिड। सिमिलरली प्रोपेनोइक एसिड, बुटेनोइक एसिड, पेंटेनोइक एसिड, फाइन। सो दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों कि हमारी जो नेक्स्ट फैमिली के ऊपर एल्डिहाइड्स, एल्डिहाइड का जो सुफिक्स है वो है अल। सिमिलरली अगर एक कार्बन है तो उसका बनेगा मिथानल, दो कार्बन है तो इथानल, सेम नेमिंग सेम है, इथेन प्लस अल, ई कट जाएगा, इथानल, प्रोपेनल, बुटेनल, पेंटेनल, हेक्सेनल, इस तरह से हम अलग हाइड्रोकार्बन लिख सकते हैं इस फैमिली में। सो दोस्तों नेक्स्ट हम एक बेसिक रूल्स देखेंगे, हमने अभी जाना है फंक्शनल ग्रुप के बारे में, अभी आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर के लिए कुछ रूल्स हैं वो हम फॉलो करेंगे। तो रूल्स क्या हैं कि जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हमने सेलेक्ट करनी है पहली बात, और लॉन्गेस्ट चेन का नाम हमने डिसाइड करना है, मतलब कि रूट कार्बन ने काउंट करना है, उससे नाम पता चलेगा। उसके बाद में हमने नंबरिंग करनी है, जैसे नंबर हम लेफ्ट से करें या राइट से करें तो वो हम देखेंगे, और उसके बाद हमने सब्स्टिट्यूएंट फाइंड आउट करने हैं। सब्स्टिट्यूएंट दोस्तों क्या होते हैं कि जैसे मैंने हमने एच निकाल दिया और क्लोरीन लगा दिया, तो क्लोरीन एक सब्स्टिट्यूएंट है। हमने एच निकाला एक चेन में से, उसमें सी एच थ्री लगा दिया तो एक सब्स्टिट्यूएंट है। हमने एच निकाला और ओ एच लगा दिया, उसका एक सब्स्टिट्यूएंट है। सो ये एक दोस्तों एक सब्स्टिट्यूएंट है, हम सब्स्टिट्यूएंट आइडेंटिफाई करने हैं, उसका नाम देना है। नेक्स्ट है प्रीफिक्स, प्रीफिक्स होता है जैसे मैंने बताया कि आपको सब्स्टिट्यूएंट एच हमने निकाला और सी एल लगा दिया, तो इसके लिए प्रीफिक्स क्लोरो हो गया। अगर मैं कहूँ कि मैंने एच निकाला और सी एच थ्री लगा दिया, उसका प्रीफिक्स मिथाइल हो गया, तो इस हिसाब से हम प्रीफिक्स को हमने लिखना है। और ये दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट एक रूल है इसमें कि आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर जो है वन वर्ड नेमिंग बोलते हैं इसको, इसके बीच में कोई स्पेस वगैरह कुछ नहीं आना चाहिए। एक हमने स्टार्ट कर दिया तो उसको हम कंप्लीट करेंगे, तो उसके बीच में कोई वर्ड में जैसे फाइव मिथाइल है, क्लोरो है, प्रोपेन है, तो इसके बीच में स्पेस नहीं हमने डालना और एक वन वर्ड के हिसाब से लिखनी है नेम। और हमने अगर अल्फ़ाबेट हमने नंबर्स लिखे हैं उसमें सब्स्टिट्यूएंट
लिखे हैं तो उसमें हाइफ़न्स हम डालते हैं, अगर एक से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट है उसमें हम कोमा डालते हैं, वो हम देखेंगे जब हम नोमेनक्लेचर लिखेंगे, ये सारे रूल्स हमें पता लगेंगे। सो नेक्स्ट हमें दोस्तों लास्ट जो है हमारे पास, जो अगर दो से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट है तो हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से लिखते हैं। जैसे मान लो हमारे पास एक सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल है, दूसरा सब्स्टिट्यूएंट इथाइल है, तो हमें पता है कि एम बाद में आता है, ई पहले आता है, तो इथाइल हम पहले लिखेंगे। सो दोस्तों हम नेक्स्ट समझते हैं एग्जाम्पल्स के हिसाब से नोमेनक्लेचर क्या है। सो सबसे बहुत इंपॉर्टेंट बात, हमें रूट कार्बन या वर्ड रूट कार्बन के बारे में पता होना चाहिए कि कितने कार्बन है और उसका नाम क्या है। जैसे मान लीजिए 5 कार्बन है मेरे पास, सो 5 कार्बन मीन्स पेंट जो है उसका रूट वर्ड है, तो ये हमने दोस्तों बहुत ध्यान में रखना है, ये बार बार जरूरत पड़ेगी इस चीज़ की। सो नेक्स्ट दोस्तों नोमन क्लेचर अगर हम देखें, IUPAC नोमन क्लेचर में एक रूट वर्ड है, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर C5 है तो पेंट है। सुफिक्स, सुफिक्स जो होता है कि जो पीछे लगता है, जैसे मान लो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो एन लगेगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो एन लगेगा, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन लगेगा। अगर मान लो OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, वो फंक्शनल ग्रुप है, तो ओल लगेगा। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड है तो ओइक एसिड लगेगा। अगर एल्डिहाइड है तो अल लगेगा। अगर हमारे पास कीटोन है तो ओन लगेगा, जैसे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, बुटेनॉन। सो इस हिसाब से हमने चेंज करते हैं। प्रीफिक्स, प्रीफिक्स यानी जैसे मैंने आपको बताया कि अभी मैंने एच निकाल के सी एल लगा दिया, तो प्रीफिक्स क्या है? क्लोरो। एच निकाल के मैंने मिथाइल लगा दिया, तो प्रीफिक्स क्या है? मिथाइल। तो ये चीज़ें हैं प्रीफिक्स। और जो सुफिक्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं दोस्तों, जो से प्राइमरी सुफिक्स और सेकेंडरी सुफिक्स। मैं मान लो मेरी चेन है, 5 कार्बन की चेन है एल्केन की, तो उसके में सिंगल सिंगल बॉन्ड है, तो 5 कार्बन है तो रूट कार्बन क्या हो गया? 5, पेंट हो गया। पेंट है चेन, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो एन हो गया। सो दोस्तों अभी क्या होता है, मान लो मैंने एच निकाल के OH निकाल दिया, OH लगा दिया, तो इस केस में रूट कार्बन तो 5 ही है क्योंकि OH में तो कार्बन है नहीं। अभी नेक्स्ट जो है रूट कार्बन 5 हो गए, तो मेरे पास जो प्राइमरी सुफिक्स है वो है इसमें, इसमें कोई सुफिक्स नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम देख सकते हैं कि इसमें हमने एच के निकाल के कोई सी एल, कोई मिथाइल नहीं लगाया। अगर निकाले मान लो एच निकाल के सी एल लगा दिया, तो क्लोरो हम आ गया हमारा सब्स्टिट्यूएंट, उसको हम प्रीफिक्स बोलते हैं। तो उसको हम बोलेंगे क्लोरो पेंट। और उसके बाद में अगर मान लो ऐसे मैंने बताया था आपको कि एक एच हमने निकाल के ओ एच लगा दिया, तो उसका जो है सुफिक्स क्या बन जाएगा? पेंटे नोल। तो इस हिसाब से सुफिक्स जो होते हैं प्राइमरी या फिर सेकेंडरी दोनों हो सकते हैं। इसमें एन जो है प्राइमरी सुफिक्स था और जो ओल है सेकेंडरी सुफिक्स बन जाता है। सो दोस्तों जब हम एग्जाम्पल्स लेंगे तो उस चीज़ में ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल्स के द्वारा ये समझते हैं इस चीज़ों को। सो दोस्तों सबसे पहले हमने बताया था रूल्स में कि लॉन्ग चेन सिलेक्शन करनी है हमने रूल की, और इसमें हम दोस्तों देख सकते हैं कि कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड है, तो दो रूल इसमें डिस्कस किए गए हैं, एक तो लॉन्ग चेन रूल और हमने डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और फंक्शनल ग्रुप, या फिर कोई और जैसे डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड, ऐसे हमने नेमिंग स्टार्ट करनी है, ऐसे हमने लॉन्ग चेन सेलेक्ट करनी है जिसमें फंक्शनल ग्रुप को जो है लीस्ट नंबर मिले, ये रूल है हमारा। तो हम देख सकते हैं कि कार्बन कार्बन या फिर डबल बॉन्ड है, तो इसीलिए हमने जो है नंबरिंग राइट हैंड साइड से स्टार्ट की है। तो दोस्तों इसमें आप देखो कि अगर आप लॉन्ग चेन इस तरह से सिलेक्ट करते तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये हमारे पास आने थे कार्बन, इसमें कार्बन 6 ही आ रहे हैं। रूट कार्बन हमने ज़्यादा से ज़्यादा सेलेक्ट करनी है, ये हमारा एक रूल है, इसीलिए हमने इस तरफ हम नहीं गए, हम जो हैं इस तरफ नहीं गए, हम जा रहे हैं किस तरफ? नीचे की तरफ, 5, 6, 7, 8। सो दोस्तों 8 की तरफ हम जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि हम ये देख सकते हैं कि इसमें कार्बन 8 है, लॉन्ग चेन हमने सेलेक्ट करनी है, ये हमारा रूल है। फाइन दोस्तों, नेक्स्ट हम नेक्स्ट रूल की तरफ देखेंगे कि फंक्शनल ग्रुप को हमने जो है लीस्ट नंबर देना है। तो आप बोलेंगे सर कि हम इस तरह से कर देते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, आप सही हैं कि 6 कार्बन हमने कर लिए, रूट कार्बन हमने बढ़ा दिए, लेकिन हमने फंक्शनल ग्रुप तो हटा दिया OH को, तो ये हमने नहीं करना। तो इसीलिए दोस्तों हमने नंबरिंग स्टार्ट करनी है 1, 2, 3, 4, 5, चाहे हमारे रूट कार्बन कम भी हो जाए, फंक्शनल ग्रुप को हमने छोड़ना नहीं है। सो दोस्तों नेक्स्ट हम बात करेंगे नेक्स्ट फंक्शन ग्रुप को लीस्ट नंबर देने में। ये नेक्स्ट हमने मैंने और एक एग्जाम्पल लिया जिसमें एक कीटोन फैमिली है, तो हमें आइडेंटिफिकेशन ऑफ फंक्शन ग्रुप बहुत ज़रूरी है कि OH लगा है तो अल्कोहल है, अगर ओनली ROR है जैसे CH3O CH3 है तो इस केस में इथर होता है, और ये CO जब लगाता है तो उसको उस केस में कीटन होता है। जैसे हमें जैसे
दोस्तों दोस्तों हम नेम इसके करके देखते हैं। अभी देखें कि इसमें वर्ड कार्बन कितने हैं, रूट कार्बन कितने हैं, 6 है, तो हेक्स हेक्स आएगा। हेक्स मीन्स 6 कार्बन हो गए। और इसमें जो कौन सी फैमिली है, इसमें जो जो सुफिक्स है प्राइमरी है वो एन है, हेक्सेन। तो आप देख सकते हैं इसमें कीटोन भी है। कीटोन होने के कारण इसका मतलब सेकेंडरी जो सुफिक्स है वो कीटोन है। अभी हमने पोजीशन देखनी है कि कीटोन की कौन सी पोजीशन है। कीटोन सेकेंड पोजीशन पे है, सेकेंड है। तो इसकी नेमिंग हम इस तरह से करते हैं दोस्तों कि हेक्स हेक्स आ गया हमारे पास, ठीक है, और एन था हमारे पास हेक्सेन। और हम जान सकते हैं कि इसमें टू ओन था हमारे पास, टू ओन। सो दोस्तों हमें पता है कि ई नहीं लिखेंगे हम, ई काट दिया हमने, तो नेम हमारे पास क्या आ गया, हेक्से हेक्सेन टू ओन। सो नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। अभी हम सब्स्टिट्यूएंट की बात करते हैं और फंक्शन ग्रुप की बात करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जो नेमिंग के लिए हमने जो है लॉन्ग चेन सेलेक्ट करनी है ऐसे करके, तो लॉन्ग चेन हमारी सेलेक्ट होगी। अब हम दोस्तों नंबरिंग करनी है कि नंबरिंग किस हिसाब से करेंगे। मान लो सब स्टूडेंट कहते हैं कि नंबरिंग सर हम इस हिसाब से करेंगे 1 2 3 4। तो अगर मान लो आप इस हिसाब से करते हो तो आपको OH जो हमारा फंक्शन ग्रुप है उसको नंबर कितना मिला, 3। तो 3 वाला दोस्तों ये रॉन्ग है, 3 वाला हम नहीं करेंगे, 3 वाला नंबर हम नहीं लिख सकते। हमने OH को कम से कम नंबर देना है, यानी कि 2 नंबर देना है। और दोस्तों अब पूछोगे सर ये क्लोरो कहाँ से आ गया, क्लोरो बेटा जी ये CH3CH2 है। तो हमारे पास यहाँ पे 2 था CH2, एक H था यहाँ पे हमारे पास H। तो हमने क्या किया, हमने ये H निकाला, H हमने निकाल दिया यहाँ से, और हमने क्या लगा दिया, Cl लगा दिया। तो दोस्तों इस तरह से नेमिंग हम कर सकते हैं। अभी हम नेम ही इसका करें तो क्या आएगा, जैसे हमारे पास रूट कार्बन कितने हैं, 4 है। हमारे पास प्रीफिक्स, प्रीफिक्स हमने सबसे पहले लिखना है 3, प्रीफिक्स की पोजीशन लिखनी है पहले, 3 क्लोरो। सो 3 क्लोरो ऐसे हमने लिखा हुआ है, प्लस उसमें रूट कार्बन कितने हैं, 4 है, तो बुट आएगा हमारे पास, बुट आएगा। सो प्लस एन, बुटेन होना चाहिए था। अभी मेरे पास ओल भी है, ओल की पोजीशन क्या है, 2 है, 2 ओल। सो इसमें दोस्तों ये हमारे पास ये जो हमारा कट गया, तो हमारा दो नेम क्या हो गया, 3 क्लोरो बुटेन 2 ओल। सो इस तरह से हम नोमेनक्लेचर, IUPAC नोमेनक्लेचर लिखेंगे। सो कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड में दोस्तों उसी हिसाब से जैसे फंक्शनल ग्रुप जो है, जो हमने चेन लेनी है, चेन सेलेक्ट करनी है, उसमें फंक्शनल ग्रुप ऐसे भी ले सकते हैं, ऐसे नहीं है कि ऐसे नहीं ले सकते, तो हम ऐसे भी ले सकते हैं और ऐसे भी, बिकॉज बोथ साइड में 4 ही कार्बन आ रहे हैं। और फंक्शनल ग्रुप्स को कम से कम नंबर मिलना चाहिए, इसलिए नंबर 1 हमने फंक्शन ग्रुप को दिया है, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। अभी हमने देखें कि रूट कार्बन इसमें 4 है, और प्राइमरी जो इसमें सुफिक्स है वो एन है, प्लस जो सेकेंडरी सुफिक्स है वो ओइक एसिड है। और इसमें एक सब्स्टिट्यूएंट भी है, हमें पता है कि सब्स्टिट्यूएंट को प्रीफिक्स के बारे में लिखते हैं, तो इसलिए हमने सबसे पहले 3-मिथाइल लिखा है जो कि इसका प्रीफिक्स है। फिर उसके बाद रूट कार्बन लिखा है बूटेन, ई काट दिया हमने, प्लस ओइक एसिड, बूटेन ओइक एसिड, बिकॉज नंबर 1 कार्बन को ओइक एसिड कॉर्नर में होता है, इसलिए 1 हमने लिखा नहीं है। सो दोस्तों अभी हम चेक करेंगे, जानेंगे कि हमने क्या सीखा है। सो दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन यह है, फिफ्थ मेंबर ऑफ कोल फैमिली हाइड्रोकार्बन हैविंग जनरल फार्मूला ऑफ CnH2n+1CHO, राइट द होमोलॉग सीरीज ऑफ जनरल फार्मूला CnH2n+1COOH। वॉट इज द सुफिक्स ऑफ सेकेंडरी सुफिक्स ऑफ कीटोन फैमिली। तो लास्ट क्वेश्चन है, नेम द अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट विच इज हैविंग 2 कार्बन एटम। दोस्तों अपना दिमाग यूज करिए, सोचिए कि क्या इसका आंसर आना चाहिए। तो दोस्तों हम देख सकते हैं, देखिए आप क्वेश्चन ट्राई करिए। होपफुली आपने आंसर्स अटेम्प्ट किए होंगे। सो देखिए आपके आंसर मैच करिए दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास, नेम द फिफ्थ मेंबर, फिफ्थ मेंबर मीन्स पेंटेन प्लस ओल, पेंटेन ऑल। नेक्स्ट है हमारे पास दोस्तों, नेम द हाइड्रोकार्बन फैमिली हैविंग जनरल फॉर्मूला CnH2n+1CHO। सो CHO ग्रुप फंक्शन ग्रुप होता है, उसको अल बोलते हैं, एल्डिहाइड्स, एल्केनल भी बोल सकते हैं इसको हम। होमोलॉग सीरीज हैविंग जनरल फॉर्मूला CnH2n+1COH, दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड, और एल्केनोइक एसिड भी हम बोल सकते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, सुफिक्स ऑफ सेकेंडरी सुफिक्स ऑफ कीटोन फैमिली। सेकेंडरी सुफिक्स मीन्स ओन, कीटोन। तो नेक्स्ट दोस्तों, नेम द अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट, अल्काइल मीन्स CnH2n+1, सो 2 है CH2H5, इथाइल। सो थैंक यू दोस्तों,
दोस्तों, मैं ये समझता हूँ कि हो सकता है कि आपको ये वीडियो मुश्किल लगी हो, तो मैं ये बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि ये वीडियो एक आइडिया देने के लिए है आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर। एक नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊँगा जिसमें आईसीएससी के सारे क्वेश्चंस, उसकी हम नोमेनक्लेचर लिखेंगे, उसकी नोमेनक्लेचर एक टू द पॉइंट लिखेंगे। सारे फंडामेंटल्स जो इस वीडियो में हमने किए हैं, उनकी बात की है, डिस्कस किया है, वो सारे हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आई हो, आप प्लीज़ इसको शेयर करिए, इसको दोबारा देखिए अगर आपको नहीं समझ लगी, तो ये फंडामेंटल बहुत ज़रूरी हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।